कुछ भी नया चीज़ स्टार्ट करते हैं या सॉन्ग हो या मूवी हो सोशल मीडिया पे जरूर अपलोड करते हैं। मैं जानना चाहूँगा आप सॉन्ग अपलोड मतलब सॉन्ग का ट्रेलर अपलोड किए हो किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है फैमिली की तरफ से फ्रेंड की तरफ से बताना चाहोगे? आई थिंक अभी तक तो बहुत अच्छा आ रहा है और मुझे लगता है कि उसी से एक बूम हो जाता है, एक बस बन जाता है, आपको पता चल जाता है कि आपके फैंस आपके फ्रेंड्स कितना एक्साइटेड उसको देखने के लिए। तो कहीं ना कहीं मैं सबसे पहले यही करता हूँ कि हमेशा ट्रेलर डाल देता हूँ और फिर पूछता हूँ लोगों से कैसा पसंद आ रहा है, क्या आप तैयार हो। तो आई थिंक जितना बस लोगों ने बनाया उसी के बाद ही मैंने सॉन्ग अपलोड किया, जब मुझे लगा कि इतना पसंद किया है लोगों ने मेरे गाने के टीजर को, फिर गाना रिलीज किया है, उसके बाद लोगों ने अपना प्यार दिया। आज दो दिन हो गए गाने को रिलीज होकर और आई थिंक द सॉन्ग इज ट्रेंडिंग ऑन यूट्यूब एंड इट्स डूइंग वेल, आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि गाने ने 10 मिलियन क्रॉस कर लिए दो तीन दिन में। जैसे कि मैं ज्यादा करके आपका गाना सुना हूँ, ज्यादा करके आप रोमांटिक सॉन्ग ही गाना पसंद करते हो, उसके सिवा और कुछ मतलब ज्यादा करके सुना नहीं हूँ, क्या कुछ कहना चाहोगे रोमांटिक सॉन्ग? देखिए बिल्कुल, क्योंकि ज्यादा गाने वो हिट हुए हैं, जैसे अब थोड़ा थोड़ा प्यार, बारिश में जाना, दोनों बहुत रोमांटिक रहे हैं। बट अगर आप देखोगे तो मेरा एक सैड गाना है रुला के गया इश्क तेरा जो बहुत चला है, मेरा महबूब किसे होड़दा हो जानता है, ये गाने बड़े चले। सो मतलब कोशिश वो भी बहुत करी है, बट कहते हैं ना कि जो गाना ज्यादा हिट हो जाता है, जैसे कि अरिजीत सिंह जैसे तुम ही हो के लिए बड़े नोन है क्योंकि तुम ही हो बड़ा रोमांटिक गाना है क्योंकि बहुत ही बड़ा ब्लॉकबस्टर गाना था, बट उनने सैड भी गाने बहुत गाए। सो कहीं ना कहीं वही होता है कि सैड गानों पर ज्यादा भी फोकस गया नहीं है लोगों का। बट आई थिंक रुला के गया इश्क मेरा एक गाना है जो शायद मैं जो बहुत ही सैड है, काफी लोग रोते हैं उस गाने को सुनकर, तो मुझे लगता है कि दोनों को बराबर तरीके से गाया है। आई होप आपको शायद अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको शायद फील होगा कि यार मैंने सैड गाने भी बड़े गाए हैं। जैसे कि बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है ये, 90s के जमाने में कुमार सानू जी ने भी ये गाना गाया था, तो क्या कुछ कहना चाहोगे रिमिक्स को लेके, क्या कहना है आपका? आई थिंक कुमार सानू जी ने ही गाया और कुमार सानू जी का ही गाना है, मैंने तो बस एक प्रयास करी है उसको एक ट्रिब्यूट देने के लिए उनको, और एक कोशिश करी है कि जिन्होंने गाना नहीं सुना है, जो नए जनरेशन वाले हैं, जिन तक मेरा या जिन तक ये गाना नहीं पहुंच पाया, तो मेरे थ्रू उनका एक वर्जन इस गाने का पहुंच जाता है, शायद लोग उस पुराने गाने को भी जाके वापस सुनेंगे क्योंकि पुराना गाना बहुत खूबसूरत है। और नए गाने में तो हमने सिर्फ एक अंदाज डाला है अपनी आवाज का, गाना बिल्कुल सेम टू सेम है, कुछ चेंज नहीं किया है, एक नया अंदाज डाला है सो दैट नए लोग उस पर रील्स बना सके, ग्रूव कर सके, लोग गाड़ी में क्लब में सुन सके। सो बस एक तरीका है नए गाने पुराने लोगों तक पहुँचा या पुराना गाना नए लोगों तक पहुँचाने का। बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, जैसे कि मैं आता था गाड़ी में तो मैं कमेंट आपका पढ़ा जी, तो मैं देखा बहुत आपका और नरिशा जी का जो जोड़ी है बहुत ही प्यारा जोड़ी है, लोग बहुत ही प्यारा प्यारा कमेंट देते थे और साथ ही बहुत नेगेटिव कमेंट भी देते थे कि रिमिक्स सॉन्ग है, उसको लेके क्या कहना है आपका? आई थिंक मुझे लगता है कि आप कोई भी काम करते हो स्पेशली रीमेक हो गया या तो कोई कॉन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट हो गया, तो वहाँ पे नेगेटिव कमेंट मिलना भी बहुत मतलब आप एक्सपेक्ट करते ही हो कि नेगेटिव कमेंट आएंगे और अच्छे कमेंट भी आएंगे। सो कहीं ना कहीं देखिए आजकल क्या हो गया है कि रीमिक्सेस तो ऐसे हो गए कि अगर आपने गाना रिलीज नहीं भी किया, आपने सिर्फ बता दिया कि मैं ये रिक्रिएट करने वाला हूँ या मैं रिमिक्स करने वाला हूँ, तो लोग वैसे भी नेगेटिव कमेंट करेंगे क्योंकि वो चीज़ इतनी ज़्यादा हाईलाइट हो चुकी है और इतना ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल हो चुकी है कि लोग आजकल तैयार नहीं है, क्योंकि इतने गाने जो रिक्रिएट हुआ इस बीच में लोगों को, लोग ऐसे पागल हो गए कि कोई भी गाना आजकल नाम से आ जाता है कि रिक्रिएट होने वाला, तो लोग परेशान हो जाते हैं। बट एक्चुअली सबका अपना तरीका होता है, जैसे मैंने गाने आज रिक्रिएट बहुत ही कम किया अपने करियर में, सो कहीं ना कहीं जो मेरा रीजन है इस गाने को रिक्रिएट करने का, इन स्पाइट ऑफ नोइंग कि मुझे पता था लोग ट्रोल करेंगे, मैंने फिर भी इसको रिक्रिएट किया है, उसका रीजन ही यही है कि मैं चाहता हूँ लोगों को पता चले कि हर गाना रिक्रिएट होना जरूरी नहीं है कि वो खराब हो। आई थिंक कुछ गानों में आप अपने तरीके से उसके लिरिक्स ना चेंज करें, कॉम्पोजिशन ना चेंज करें, उसका एक अपना सिर्फ एक ट्रिब्यूट देके भी आप गाने को गा सकते हो और शायद उन लोगों तक पहुंचा सकते हो जहां तक ये गाना नहीं पहुंच पाया, और ऐसा ट्रिब्यूट एक रिस्पेक्ट उन सारे बड़े आर्टिस्ट को दे सकते हो। साथ ही ये भी जानना चाहूंगा, लोकेशन बहुत ही प्यारा था, मैं सॉन्ग देखा आपका जी, लोकेशन मुझे बहुत पसंद आया, वो कबूतर जब उड़ा वो लोग उस वो वाला शूट मेरे को बहुत पसंद आया जी, लोकेशन को लेके किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपका बताना चाहूंगा, कितना एंजॉय किया? पूरा डिसीजन था धर्मा 2.0 का, आई थिंक आप सब जानते हो कि धर्मा 2.0 जब जब कुछ भी शूट करता है तो उनका स्केल बहुत बड़ा होता है, एंड हमारे डायरेक्टर पुनीत मल्होत्रा उनका विजन था, उनका थॉट था कि इस गाने को बाहर शूट करते हैं, उन्होंने बोला कि अजरबैजान बाकू जाएंगे, तो हमने सब लोगों ने बोला कि यार ये तो बहुत अच्छा लोकेशन है और मज़ा आएगा, तो वहाँ पे जाके वहाँ की लोकेशन देखकर ऑटोमेटिकली एक अंदर से वाइब आ गया था कि यार मज़ा आने वाला है शूट में, बहुत हंसते खेलते पूरा शूट किया है, लरीसा बहुत ही अच्छी एक्टर है तो साथ में शूट करना बहुत ईजी हो गया था, जब कहते हैं ना कि अच्छा डायरेक्टर मिल जाए अच्छी एक्टर मिल जाती है तो गाना ईजिली शूट हो जाता है, तो बड़े अच्छे से आसानी से काम हो गया वहाँ पे। मैं साथ ही ये भी जानना चाहूंगा कि मतलब बहुत ही प्यारा गाना है, भले पुराना है, रिमिक्स किया हो, कुछ सुनाना चाहोगे अपने दर्शकों को? क्यों नहीं, कुछ लाइन। तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, हाँ
तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, खास करके आपके मतलब आपका जो वॉइस है बहुत ही प्यारा है। मैं साथ ही ये भी जानना चाहूंगा, अभी अक्षय कुमार और इमरान हाशमी की मूवी आ रही है सेल्फी, वो मूवी में भी आप गाना गाए हो, क्या कुछ कहना चाहोगे, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा मूवी में जाने का? आई थिंक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, अक्षय सर के साथ काफी सारे चीजें प्लान हुई हुई है। अक्षय सर के साथ मेरा वर्ल्ड टूर पे जाने वाला हूँ अगले महीने के बाद, तो आई थिंक उनके साथ काफी सारे एसोसिएशन हो रहे हैं, काफी सारे गाने उनके साथ प्लान किए हुए हैं। सो कहीं ना कहीं ये जो गाना था कहीं ना कहीं उन्हीं का डिसीजन रहा होगा कि गाने को फिल्म में रखना है, और आई एम वेरी हैप्पी दैट उन्होंने गाना रखा है। और ये गाना मुझे लगता है कि इस फिल्म का बहुत ही बड़ा और बेहतरीन गाना है, क्योंकि जब आप इसको सुनोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। आई होप, रियली होप कि ये जो मेरे दो गाने जो रिलीज हो रहे हैं साल के सबसे बड़े गाने हो, और हर साल मैं यही विश करता हूँ। जब 2021 आया था तो थोड़ा थोड़ा बारिश में जाना साल के सबसे बड़े गाने थे, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ मैं वापस दोहराना चाहूंगा इस साल, क्योंकि 2022 में साल का सबसे बड़ा गाना केसरिया था, मेरा गाना नहीं था, तो मैं चाहूंगा कि 2023 में सबसे बड़ा गाना मेरा हो। तो कोशिश यही है कि तू मेरे दिल खेले या फिर सेल्फी के जो गाने आ रहे हैं, अक्षय सर, इमरान हाशमी, दो इतने बड़े बड़े स्टार साथ में आ रहे हैं, आई थिंक तो फिर बहुत ही मजा आने वाला है। क्योंकि ये आपने ट्रेलर देखा ही होगा तो आपको समझ में आया होगा कि बहुत ही बेहतरीन ट्रेलर है, बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। करण जौहर सर ने इस गाने को, इस फिल्म को बनाया है, और उनका उनका बैनर है, और उनके साथ मेरे प्रोजेक्ट्स आ भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आई एम वेरी हैप्पी दैट ये एसोसिएशन जो है और ये जो गाना है ये इतनी बड़ी फिल्म के अंदर आ रहा है, मजा आएगा। साथ ही आने वाले समय में अपने दर्शकों को क्या देना चाहोगे, नया मतलब नया गाना क्या देना चाहोगे और क्या कहना चाहोगे अपने फैंस के बारे में? आई थिंक मैंने उनको अभी एक रिक्रिएटेड गाना दे दिया है, इसके बाद मैं उनको फिल्म का गाना दे रहा हूँ, उसके बाद मैं उनको एक सूफी गाना दूंगा, फिर मैं उनको बहुत ही अर्बन वाइब दूंगा। आजकल ना अर्बन गाने बहुत चल रहे हैं, आई थिंक कहीं ना कहीं कुछ ऐसा देना चाहता हूँ जो उन्होंने शायद मुझसे नहीं लिया हो। क्योंकि अगर आप देखोगे तो मैंने काफी गाने सिमिलर जोन के बहुत गाए, चाहे वो बारिश के गाने हो, आपको पता है कि हर बारिश में मेरे गाने आते हैं, चाहे वो बारिश आई है, चाहे वो बारिश बन जाना है, चाहे वो बारिश की बारिश दूसरा गाना है। तो मुझे लगता है कि काफी सारे एक्टर्स को लेके काफी सारे मैंने गाने बनाए हैं, और इस साल जो नया करना है वो है जो पिछले साल जो नहीं किया है, क्योंकि मुझे लगता है फैंस को कुछ नया चाहिए, और उसके लिए मैं बहुत कोशिश करने वाला हूँ कि जो भी वो मांग रहे हैं उनको मैं वो दूँ। तो एक अर्बन फ्लेवर दूंगा और एक सूफी गाना उनको दूंगा जो मैंने शायद अभी तक नहीं किया। थैंक यू सर अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच।